नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, 17,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कर्मियों को पक्का करने का मसौदा तैयार, पहले डीसी रेट व हेड ऑफ वालों को पक्का किया जाएगा भाई। 5 और 7 साल से कार्यरत कर्मचारियों को मिल सकती है राहत। उच्च स्तर पर चल रहा है मंथन और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके तहत डीसी रेट पर लगे उन कर्मचारियों को पक्का किया जाना है जिनका कार्य संतोषजनक है, जो स्वीकृत पद के मुकाबले लगे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको 2003 की पॉलिसी के बारे में भी बताया था, 2014 की पॉलिसी के बारे में भी बताया था, ठीक है, और उनकी पॉलिसी के बारे में कंप्लीट वीडियो बना के बताया था कि स्वीकृत पद होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या कुछ कंडीशन रहेंगी, सर्विस ब्रेक की क्या कंडीशन रहेगी, कंप्लीट जानकारी चैनल पर डाल रखी है। अभी सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि इस दायरे में 5 साल से कार्यरत कर्मचारियों को लिया जाए या 7 साल से कम काम कर रहे कर्मचारियों को लिया जाए, 5 साल या 7 साल, ठीक है। हाई लेवल पर मंथन चल रहा है, संभावना कि जल्द ही सरकार इस मसौदे को तैयार कर कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का करने की पॉलिसी जारी कर रह सकती है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार पक्के कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के संबंध में सभी विवादों से पूरी जानकारी हासिल कर चुकी है। बकायदा ग्रुप डी और सी के कच्चे कर्मचारियों जिनमें डी सी रेट और एडोक पॉलिसी 2 के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों का ब्यौरा लिया गया था। तो सरकार की मंशा है कि सबसे पहले डीसी रेट वाले और हेडऑफ पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने का मौका दिया जाए, उसके बाद अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में विचार होगा। क्योंकि हरियाणा में अलग अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती हुई है। सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है, इसके बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो जाएगा भाई। तो आपके लिए बड़ी अपडेट रहेगी, कच्चे कर्मचारियों को जल्द पक्का किया जाने वाला है। प्रदेश में कुल स्वीकृत जो हैं 4,50,000 पद हैं, मुकाबले में 2,70,000 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। अलग अलग विभागों में 1,08,000 जो हैं खाली पद पड़े हैं, इसमें ग्रुप डी सी के सबसे अधिक पद खाली हैं। प्रदेश में अनुबंध के आधार पर लगाए गए 1.25 लाख कर्मचारी जो है आते हैं और लगभग 1.05 लाख ठेके के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया गया। तो जल्द ही जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, मसौदा तैयार हो चुका है, मुख्यमंत्री का अप्रूवल मिलना बाकी है, 5 साल और 7 साल पर फैसला हो जाएगा और सबसे पहले बारी आएगी डीसी रेट और हेडऑफ वालों की पॉलिसी 2 के तहत जो लगे हुए हैं। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।